नमस्कार, जय श्री राधे। सानूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना प्याज की वेज मंचूरियन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे गाजर को अच्छे से छील के कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो इसे छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे बंधा गोभी को अच्छे से कट कर लिया है, बारीक छोटा छोटा महीन करके। और यहाँ साथ ही एक शिमला मिर्च लिया है, जिसे बारीक अच्छे से कट कर लिया है सभी को मैंने। और अभी मैं साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन को भी अच्छे से कट करूंगी और मिर्च को भी अच्छे से कट करूंगी। यहाँ पे मैंने मिर्च को थोड़ा सा तिरछा तिरछा कट किया है। अब मैं यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैं लंबे लंबे कट करूंगी। साथ ही थोड़े से डंडी वाले पार्ट्स में हरे धनिया के भी साथ में ही कट कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने जो वेज सब्जी जो अच्छे से कट किया है, उन सभी को एक बाउल में अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़े से नमक डाल के इसे हम 5 मिनट के लिए रहने देंगे। नमक डालने पर इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो अच्छे से इसमें आ जाता है। फिर उन्हें मैं अच्छे से, अब देखिए यहाँ पे मैं इन सभी को अच्छे से निचोड़ लूँगी, ताकि इनमें जो भी एक्स्ट्रा पानी थे वो अच्छे से निकल जाएंगे। यहाँ तकरीबन 1 कप के अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी निकला है। अगर यही पानी रह जाते तो बॉल मेरे अच्छे क्रंची नहीं बनते। अभी इसी में हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किए हैं, 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किए हैं और 2 बड़े चम्मच इसमें हमने मैदा ऐड किए हैं। और अभी हम नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और थोड़े से मरीच पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर करते हैं उसे ऐड किए हैं और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मुझे यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हल्के से पानी दे के इसके अच्छे अच्छे बॉल बना लेंगे। अब हम इन सभी को अच्छे से, पहले मैं बॉल बना के एक एक करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे बॉल देखिए बन के एकदम रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल यानी राइस ब्रान ऐड करूँगी। यहाँ पे सरसों तेल नहीं यूज करना है और इसे मैं तेल गर्म होने पे डीप फ्राई कर रही हूँ गोल्डन एंड ब्राउन करके। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकना है, थोड़े से एकदम पेशेंस के साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा धरफड़ी दिखाएंगे तो ऊपर से बॉल थोड़े से काले काले हो जाएंगे, बट अच्छे अंदर से पकेंगे नहीं। इसे अच्छे से पेशेंस के साथ पकाएंगे तो हमारे बॉल एकदम अच्छे से क्रंची बनेंगे। और इन सभी को मैंने यहाँ अच्छे से निकाल लिया है धीरे धीरे डाल करके। अब उसी में मैंने उसी फ्राई पैन में मैं यहाँ 1 से 1.5 चम्मच ऑयल में थोड़े से लहसुन को देके अच्छे से पहले मैं भून रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर दी हूँ। अब कटे हुए मिर्च को ऐड करके थोड़े से लाल होने देंगे और अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अभी ही हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, थोड़े से जो गाजर थे उसे ऐड कर रहे हैं और अभी ही साथ हम बंधा गोभी को भी ऐड कर देंगे। इसे थोड़े से लाल होने देंगे, सब्जी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हमें कच्चा ही रहने देना है, हरा हरा इसमें कच्चा बन रहे। और यहाँ जो थोड़े से डंकी वाले धनिया पत्ता था उसे हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ 1 चम्मच के अकॉर्डिंग हम सोया सॉस ऐड कर रहे हैं, 2 से 3 बड़े चम्मच हम यहाँ पे टमेटो सॉस ऐड कर रहे हैं और 2 बड़े चम्मच हम यहाँ चिली सॉस भी ऐड कर रहे हैं और 2 छोटे-छोटे चम्मच हम विनेगर ऐड कर रहे हैं, ताकि खट्टी मीठी अच्छे से बैलेंस बनी रहे। आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे मीठा उतना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने चीनी और प्याज को स्किप किया है और साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाला है और थोड़े से काली मिर्च पाउडर। और ये हमारा अच्छे से इसे भून लेना है। और लगभग जिसको ड्राई मंचूरियन पसंद है उसके लिए तो ये ग्रेवी रेडी है, बट मुझे यहाँ थोड़े से ग्रेवी वाले चाहिए तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 ग्लास पानी ऐड किया है। और साथ ही पानी में अच्छे से बॉयल आने पे मैंने यहाँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है, थोड़े से पानी मिला के इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे। बॉयल आने पे इसमें ही हम अभी सारे जो हमने मंचूरियन के बॉल बनाए हुए थे उसे भी ऐड करेंगे और थोड़े से बबल्स आने पे इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे थोड़े से गार्निशिंग कर लेंगे हरे धनिया पत्ते के साथ। अब एक बार जरूर ट्राई करें बिना प्याज के, और इतनी अच्छी और टेस्टी बन के तैयार होती है कि हमारा जो मन में एक भ्रम पैदा रहता है कि बिना प्याज के मंचूरियन नहीं बन सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी यम्मी खट्टी मीठी चटपटी मंचूरियन बन के तैयार है।